हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरुआत करेंगे लेट अस वर्कआउट 1.2 का। हाँ, मुझे पता है दैट एप्लीकेशन नंबर 15 मैंने नहीं कराया, लेकिन उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 14 एग्जैक्टली एप्लीकेशन नंबर 15 उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप खुद सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए कि उसका आंसर क्या था। अगर आंसर करेक्ट होगा तो बिल्कुल आप खुशी मनाइए, और अगर इनकरेक्ट होगा और अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, बिल्कुल मैं एक सोल्यूशन वीडियो उसका डाल दूंगी, कोई भी उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का, बट बिफोर दैट लेट अस रोल। लेट अस वर्कआउट 1.2 का सबसे पहला सम्स बहुत लंबा चौड़ा इसका स्टार्टिंग का लाइन था, मैंने इसको छोटा कर दिया। आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उनके रूट्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि आखिर ये सारे जो दिए गए हैं वो सारे इनके रूट्स हैं भी या नहीं। मतलब दीदी, देखिए, कोई भी अगर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax2 + bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, अगर मैं कहती हूँ कि 1 या 2 या 3 जो भी नंबर है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब होता है कि वो जब उस नंबर्स को तुम x के जगह पे डालोगे तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा वैल्यू बनेगा वही राइट हैंड साइड में भी होगा। यानी कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। यानी कि तुम बोलोगे, दीदी अगर वैल्यूज पुट करके इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम कह सकते हैं कि हाँ, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई हो जाए यानी जब तुम यहाँ लेफ्ट में डालोगे तो यस, जीरो ही बनना चाहिए लेफ्ट में, क्योंकि राइट में भी जीरो ही है। सो लेट अस चेक कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आपको लिखना है इफ 1 and -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देख लेते एक बार, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, एक एक करके चेक करेंगे ना। तो एक्स इक्वल्स टू 1 अगर हम पुट करें तो क्या बनता है, दिस बिकम्स 1² + 1, आपको लेफ्ट में पुट करना है +1, तो इसका क्या वैल्यू आया, ये आ गया दीदी 1 + 1 + 1, दैट इज 3। 3 लेफ्ट हैंड साइड में आया लेकिन राइट हैंड साइड में 0 है, दैट इज 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं करा, देन वी कैन से दैट 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। -1 है क्या, पुट करके देख लो। -1 पुट करोगे तो -1² - 1 + 1, 1 - 1 = 1, दिस इज 2 - 1 विच इज 1। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी कैन से दैट यस, x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि जब आपने 1 पुट किया तो भी आंसर 0 नहीं आया जो कि राइट हैंड साइड में है, और जब आपने -1 पुट किया तो भी आंसर 0 नहीं आया जो कि राइट हैंड साइड में है, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये दोनों ही इस इक्वेशन के रूट्स नहीं है, अगर होते तो सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो आपको वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ 0 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। 0 पुट करके देखो, x इक्वल्स टू जब 0 है तो दिस इज 8 × 0² = 7 × 0, दिस विल बी 0 + 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। यस, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 0 है, 0 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेट अस चेक फॉर x इक्वल्स टू 2, 2 जब पुट करते हैं दिस बिकम्स 2² एंड दिस इज 2, दिस इज 8 × 4, दैट इज 8 × 4 एंड दिस इज 14, एंड दिस इज 8 × 4 इज हाउ मच, 32, 32 + 14, जितना भी हो 0 तो नहीं होगा, और अगर 0 नहीं है तो वो इस इक्वेशन का रूट नहीं बन सकता। यानी कि सिर्फ 0 इस इक्वेशन का रूट है, 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है, क्योंकि जब तुमने लेफ्ट में डाला तो आंसर 0 नहीं आ रहा था जो कि आना चाहिए था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन, अगर ये और ये इस इक्वेशन का रूट है तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, देख लेते हैं। जब x इक्वल्स टू 5/6 होगा तो 5/6 + अच्छा यहाँ पे देख लो, ज़रा ध्यान से देखो, x के जगह मैंने डाला 5/6 प्लस 1/x के जगह मैंने डाला 5/6, होगा ये कि 5/6 एक्चुअल में रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5, ये सबको पता है। LCM ले लो, नीचे आया 30, 30 / 6 = 5, 5 × 5 = 25, 30 / 5 = 6,
सिक्स इंटू सिक्स इज 36, ऐड करके देख लो, 36 प्लस 25 इज 11, 51. दिस इज 51 बाय 30. वी नो दैट 3 17s इज 51 एंड वी ऑल्सो नो दैट 3 10s इज 30. यानी इसका आया आंसर 17 बाय 10 विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS में 13 बाय 6 है. देन वी कैन से दैट 5 बाय 6 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं. यहीं पे मैं बता देती हूँ, जब x इक्वल्स टू 4 बाई 3 होगा, पुट करके देखो, 4 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 बाई 3, 4 बाई 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाई 4, एलसीएम आ गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, दिस इज 25 बाई 12, दिस इज अगेन नॉट 13 बाई 6, सो दिस इज नॉट the root of this equation. So we can say that these two are not the roots of this equation just because agar root hota to put karke aana chahiye tha, nahi aa raha, yani root nahi hai. Is that clear? Aage badhte hain, theek hai? Dekho, x square minus root 3x minus 6 equals to 0. Kya minus root 3 aur 2 root 3 is equation ka root hai? To agar root hai to ise equation ko satisfy karna chahiye tha, to minus root 3 dal ke dekh lete hain. माइनस रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, आई मीन माइनस रूट थ्री माइनस सिक्स. माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब कि रूट थ्री दो बार, और जब दो बार रूट के अंदर क्वांटिटीज लिखे जाते हैं सेम क्वांटिटीज, तो रूट हट जाता है, यानी सिर्फ आएगा थ्री. और माइनस आपने स्क्वायर कर दिया तो माइनस का साइन भी हटेगा. दिस इज रूट थ्री इंटू रूट थ्री विच इज थ्री, एंड यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस, एंड यहाँ है सिक्स. सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो, एंड जीरो इज द राइट हैंड साइड. यस, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज इट. लेट अस सी द लास्ट वन, दैट इज इसको पुट करके देखो, एक्स इक्वल्स टू टू रूट थ्री. अगर टू रूट थ्री इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, करके देख लेते हैं. माइनस सिक्स, दिस इज टू का स्क्वायर इज फोर, फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व. कितना होगा भाई, ये आता है कि नहीं आता है तुमको? मैं करके देख देती हूँ. टू रूट थ्री का स्क्वायर, इट मीन्स टू रूट थ्री दो बार लिखा गया हो, टू इंटू टू फोर, थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री विच इज़ ट्वेल्व. दिस इज ट्वेल्व. रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, थ्री इंटू टू इज सिक्स. दिस इज ट्वेल्व माइनस, माइनस सिक्स माइनस सिक्स इज माइनस ट्वेल्व. यस, these two are the roots of this equation. Is that clear? ये दोनों root है इस equation के. क्या clear हो गया बात? ठीक है दोस्तों, calculate value of k for which 2 by 3 will be the root of this equation. एक ऐसा k का value बताओ जिसके वजह से या जिसके कारण 2 by 3 इस equation का root बन जाए. तो आप बोलोगे अगर 2 by 3 इस equation का root है, देखिए आप application में अभी solve करके आए और same sums exercise में है, ऐसा ही होता है, application पहले solve किया जाता है. अगर 2 बाई 3 इस इक्वेशन का रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो करवा लेते हैं, लिख लेते हैं, इफ 2 बाई 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, देन वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा के हम देख लेंगे भाई, x के जगह पुट करके देखो, 2 बाई 3 होल स्क्वायर k इंटू 2 बाई 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 2 बाई 3 का होल स्क्वायर यानी 4 बाई 9 k इंटू 2 बाई 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 7 इंटू 4 इज 28 बाई 9, दिस इज 2k बाई 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. एक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 9. I don't know if this part of the board is visible or not. Let me do it over here. Application, sorry, LCM आ गया 9. 9 divided by 9 is 1. 1 into 28 is 28. 9 divided by 3 is 3. 3 into 2K is 6K. 9 divided by 1 is 9. 9 into 3 happens to be 27 equals to 0. ये 9 उस साइड जाएगा, तो 0 के साथ उल्टे होके 0 ही हो जाएगा. तो 28 plus 6K माइनस 27 इक्वल्स टू 0.
28 - 27 = +1, राइट? एंड अगर तुम प्लस वन को इस साइड लेके जाओ, दिस इज माइनस वन, और इससे के का वैल्यू आ गया -1/6. तुम देखोगे ये क्वेश्चन अक्सर दिया जाएगा, शॉर्ट आंसर्स में तो बिल्कुल दिया जाएगा, जिसमें बोलेगा के का वैल्यू निकालो जिससे कि ये इस इक्वेशन का रूट बन जाए. तो आप बोलेंगे अगर ये इक्वेशन का इस रूट बनेगा भी तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो जब सेटिस्फाई करवा देंगे तो आप देखेंगे के अलावा और कोई अननोन क्वांटिटी बचेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली आप के का वैल्यू निकाल लेंगे. इज दैट क्लियर? आगे समझ करते हैं. के का ऐसा वैल्यू निकालो जिससे कि माइनस ए इस इक्वेशन का रूट बन जाए. तो आप बोलेंगे इफ माइनस ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन. हाँ या ना? बिल्कुल. और अगर सेटिस्फाई करता है तो सेटिस्फाई करवा के देख लो. पहले इक्वेशन को जैसा है वैसा ही लिख दो, फिर x के जगह माइनस ए पुट करो, माइनस ए का होल स्क्वायर 3a, x के जगह माइनस ए डाल दिया, k इक्वल्स टू 0. माइनस ए का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओनली, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का साइन हट के प्लस हो जाता है वो, राइट? अब 3a इंटू माइनस ए इज माइनस 3a स्क्वायर. ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस 3a स्क्वायर, जो कि माइनस के साइन के साथ, प्लस k इक्वल्स टू 0. आप बोलेंगे कि दीदी आप तो बोलती हैं कि सिर्फ एक अननोन बचेगा, यहाँ तो बहुत सारे अननोन हैं. अननोन नहीं है, यहाँ पे जो आपको रूट दिया गया वो खुद ही एक मतलब एक अल्फ़ाबेट के रूप में दिया गया था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये अननोन है, लेकिन ये अननोन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट को डिनोट करता है, यहाँ वो कांस्टेंट नहीं बताया गया है. ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इज माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0. माइनस 2 ए स्क्वायर को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो दिस वुड बी 2 ए स्क्वायर, तो के का वैल्यू आ गया 2 ए स्क्वायर, राइट? इसको आप नोट डाउन कीजिए. तो क्या बोल रहा है, अगर 2/3 एंड माइनस 3 इस इक्वेशन का रूट है, मतलब बोल दिया गया रूट है, ए और बी का वैल्यू निकालो. तो आप बोलेंगे कि इफ 2/3 एंड माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन भाई जो दिया हुआ है. देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग ऑन बोर्ड, ठीक है? प्लीज डोंट क्रिटिसाइज. मजाक करे भाई, इतना सीरियस मत लो. तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो एक बार x के जगह 2/3 पुट करते हैं, 2/3 पुट करके देखते हैं तो क्या होगा. 2/3 का होल स्क्वायर 7 × 2/3 प्लस बी इक्वल्स टू 0. दिस वुड बिकम 2/3 का होल स्क्वायर इज 4/9, दिस इज 14/3, दिस इज बी इक्वल्स टू 0, दिस इज 4a/9, दिस इज 14/3 प्लस बी इक्वल्स टू 0. एक बात बताओ, क्या मैं इसको एलसीएम लेके और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकती? 9 अगर एलसीएम हो जाए तो, अगर 9 एलसीएम हो जाता है तो 9/9 इज 1, 1 × 4a इज 4a, 9/3 इज 3, 3 × 14 इज 42, एंड यहाँ पे 9/1 इज 9, एंड 9b हो गया यहाँ पे 0, यानी कि 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0. लेट अस नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब पुट करते हैं इक्वल्स टू -3 सेम इक्वेशन में जो दिया गया है. तो जब हम लोग पुट करेंगे तो ये होगा a माइनस 3 होल स्क्वायर 7 × -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0. दिस वुड बी -3 का होल स्क्वायर इज 9, 7 × -3 इज -21 प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इज 9a प्लस बी -21 इक्वल्स टू 0. लेट अस नेम इट इक्वेशन नंबर 2. इसको आप नोट डाउन कीजिए, वहाँ पे सॉल्व करते हैं. बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा था, मैंने सब कुछ रब करके दोबारा से जो है जो इक्वेशन नेसेसरी पार्ट है उसको रखा है, आप वहीं से कंटिन्यू करो. अब क्या होगा, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो. एलिमिनेशन मेथड सबको पता है, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम इम्पॉर्टेंट है. काम पता है क्या करना होता है, आपको कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. लेकिन एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है
कि अगर यहाँ पे 9b है तो आप यहाँ भी 9b ले आओ, ठीक है। तो अगर या फिर आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है तो मैं यहाँ भी 9b लगा देती हूँ। तो लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, और इसको कुछ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है नहीं वैसे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करा 9 से तो जो इक्वेशन बन गया अब वो क्या बना, 4a प्लस 9b माइनस 42। इसको एज इट इज़ मैंने कॉपी किया और ये नया इक्वेशन क्या बना, 9 इंटू 9 इज़ 81a प्लस 9b एंड 9 इंटू 21 तो ये नया इक्वेशन बना। अब ज़रा ध्यान से देखना, इक्वेशन जो 2 है हमारा, इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। माइनस 81a प्लस 4a माइनस 77a माइनस 189 माइनस 42 एक्चुअली ऐड हो जाएगा माइनस 231। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, एंड इफ़ यू नोटिस 77 इंटू 3 विल गिव यू 231। सो 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी a का वैल्यू आ गया 3। दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो a का वैल्यू 3 अगर आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, मुझे ये इक्वेशन ज़्यादा सिंपल लग रहा है, मैं इसी में पुट कर रही हूँ। सो 9 इंटू 3, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, प्लस b इक्वल्स टू 21, दैट इज़ 9 इंटू 3 इज 27 प्लस b इक्वल्स टू 21, दैट इज़ b इक्वल्स टू 21 माइनस 27, दैट इज़ माइनस 6। यानी कि a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है माइनस 6। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नोट इट डाउन।